सुनो सुनो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। पोछा लगा दोगे? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे, तो आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए मेरा गोल गोल फूला हुआ पराठा आलू का। काफ़ी टाइम बाद बनाए थे मैंने आलू के पराठे। कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए। आती हूँ मैं सुई लगवा के। ग्राउंड फ्लोर। तो अभी मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए, हमारी सोसाइटी में ही आए थे तो मैंने कहा मैं लगवा के आ जाती हूँ। तो वहाँ पे लग रही है वैक्सीन अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है भीड़ लगी हुई है क्या। थोड़ा टाइम में आऊँ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं नीचे, मेरा मतलब जो कुछ भी वेरिफिकेशन होती वो सब होने के बाद फाइनली मुझे इंजेक्शन लगने जा रहा था डोज़ का, तो उसके लिए बैठ गई थी मैं यहाँ पे। और सच बताऊँ तो मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बट ये माइक्रो निडल थी तो जितना ज़्यादा मुझे पता नहीं चला, लेकिन डर तो डर होता है। हो गई है मेरी वैक्सीन डन, वो मेरे पीछे। तो इंजेक्शन से मुझे डर लगता है पर उन्होंने लगाया तो मुझे दर्द ही ऐसा कुछ पता ही नहीं चला कब लग गया। तो फाइनली मेरी सेकेंड डोज भी डन हो गया। और फर्स्ट डोज दिया था तो मुझे फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आया था। अब इसमें देखो, जब पहले में नहीं आया तो इसमें क्या आएगा। और पूरा काम छोड़ के नीचे आई और बच्चे अभी अकेले। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, देखने क्या कर रहे हैं दोनों ये। माय गॉड, जीने से जाऊँ कि लिफ्ट से जाऊँ? चलिए जीने से चलते हैं। तो क्योंकि जब से ऊपर क्या ज़्यादा चलना फिरना हो नहीं पाता है तो सीढ़ी यूज़ कर रही है। स्टेप 5 मंजिल चढ़ के जाना है और जाके पीऊँगी एक गिलास पानी। और दो दी हैं दवाइयाँ, फीवर आए तो खा लेना। लास्ट टाइम दी थी तो मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इस बार देखो। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेप, क्योंकि मैं एक दो बार ही नीचे जाती हूँ तो ज़्यादातर स्टेप ही यूज़ करती, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। वरना खाओ और वहीं पड़े रहो, हमें सांस फूलने लगे। ऊपर जाके आपसे बात करूंगी। फाइनली प्लीज उतरते कैसा। शुरू शुरू में जब चढ़ती थी तो ज़्यादा थकान होती थी, अब भी होती है। सीनू खुला है, क्या कर रहे हैं दोनों? क्या कर रहे हो भैया, कहाँ हैं? ओके, तो अभी मेरा सारा काम फैला पड़ा था, ये देखिए। तो रिसेंटली मतलब मुझे पता चला कि नीचे सोसाइटी में ही आए हैं। सांस नहीं आ रही है। ले लिया है मैंने पानी, अब पहले 10-15 मिनट रिलैक्स करूँगी बैठ के। और ये बच्चों तुमने हालत क्या कर दी है घर की, ये मुझे बताओ पहले। तो शकल में बज रहे हैं 12। एक्चुअली खाना बनाने के बाद फिर खाना वगैरह खा, आज मैंने बनाए थे आलू पराठे जैसे कि मैंने दिखाया, और आलू पराठे गरम गरम अच्छे लगते हैं इसलिए। फिर नहीं तो मैं काम फिनिश करने के बाद ही अपना मतलब खाती हूँ आराम से, तो मैंने कहा गरम गरम है तो खा लेती हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश किए थे तो नीचे जाने के लिए फटाफट कंघी करके कर लिया। और ये लगी है मेरी वैक्सीन, कहाँ है, छुप गई, सॉरी, दिखाती हूँ आपको। तो ये छुआ नहीं बेटा, तो ये हल्का सा पॉइंट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लगी है मुझको वैक्सीन। सेकेंड डोज भी हो गया, बहुत ज़रूरी था गाइज। तो और हस्बैंड का नहीं हो पाया क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे, वैसे तो मैसेज आ जाता है बट आज थोड़ा ज़्यादा बिजी थे, जल्दी जाना था। तो अब मैं पीती हूँ एक गिलास पानी। तो 2 मिनट रेस्ट करूँगी, मेरे बर्तन पड़े हैं और थोड़ा सा
सेटिंग वगैरह है भी करनी है, उसके बाद 12 बजे भी। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे को फुल एंजॉय किया जा रहा है, और कल 2 अक्टूबर भी था तो छुट्टी भी थी, तो कुछ काम नहीं था तो बैठे हम लोग ऐसे, और बच्चे देख रहे हैं टीवी और नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया है। तो अब सोच रहे हैं कहीं थोड़ा सा घूम के आए, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ जाना, और क्योंकि अभी सब कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ नाश्ता हो गया, बाकी जो घर का काम वगैरह होता है, वरना इस टाइम तक तो मेरा फिनिश भी हो जाता है क्योंकि बच्चों की क्लास होती है, आज नहीं हुआ है तो उसके लिए, तो सोच रही हूँ करने के लिए। सुनो सुनो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पोछा लगा दोगे? बोलो। अभी तो बड़े खुश हो रहे थे, मैं कह रही थी मैं बहुत प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, हमें ही लगाना पड़ेगा, हमारी लाइफ में कभी कोई संडे नहीं आता है। ये देखो संडे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल में सुबह से लगे हुए हैं और यहाँ हम पड़े हुए हैं, ऊपर से मेरे सर में और दर्द हो रहा है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना काम, इधर से तो कोई उम्मीद नहीं है। सर दर्द के सर दर्द हो रहा है। मैं सर दर्द हूँ? कोई तो मेरी सुन ले। तो यहाँ पे फिर काम, मैंने काम की शुरुआत कर दी थी कि चलो करते हैं, तो और सब लोग साथ में। और ये क्या, मैंने सोफे हटा के नीचे से डीप क्लीन किया था, क्योंकि साफ सफाई तो डेली होती है बट जो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके सोफों के पीछे हो जाता है, क्योंकि मैं अकेले ये सब नहीं खिसकाना उठाना रखना ये नहीं हो पाता है। तो आज हस्बैंड घर पे थे तो मैंने कहा चलो उनसे हटवा लेती हूँ सामान, उसके बाद सब साफ करती हूँ। और अनाया मेरी हेल्प कर रही थी, वो एक टेबल कपड़ा लेकर टेबल साफ कर रही थी, और मैं सोफे को हटा के मैंने पोछा वगैरह कर लिया था तो मैं उसका कवर रख रही थी। और ऋषभ मेरा बेटा, वो मतलब वीडियो बना रहा था, दिखा रहा था, एक्चुअली उसको बोला था इसलिए वो कर रहा था, वरना तो वो भी मेरे संग ही हेल्प कर रहा था, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना वही करने लगते हैं, तो उनको भी शौक लग रहा था कि हम यहाँ पे साफ करें वहाँ पे करें, तो यही हुआ। बाकी नाश्ता वगैरह बच्चों को मैंने करा दिया था, खुद भी कर लिया था क्योंकि उस दिन मैंने आलू के पराठे बनाए थे। उसके बाद जाना हमारा एकदम से हो गया, शाम को भी हो गया, क्योंकि भद्रकाली माता जी का मंदिर है लाल दरवाज़ा अहमदाबाद में, तो हम लोग यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए, और बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये मंदिर एक ऐसा है जिससे थोड़ी सी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो मैं ज़्यादातर आती हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है, और इधर लोकल मार्केट भी है तो उसके लिए। और ये अनाया, फिर हम गए थे शॉप पे अनाया के लिए कपड़े लेने, क्योंकि वो बहुत दिन से पिंक मतलब फ्रॉक होनी चाहिए उसके लिए बहुत रो रही थी, ऐसी उसके पास एक भी नहीं थी, और एक ये ली थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।